वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक इनहिबिशन सीरीज का और एक वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे जो फॉर योर अपकमिंग सीजन एंड गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चार वीडियो अपलोड कर दिए जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा थे जो सीएसएन गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी सीएसएन 2015 में आया था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहाँ पे देखो द मेजर प्रोडक्ट ए बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो हम लोग ए बी को डिटरमिन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो बी टू ए सिक्स है ना, डाइबोडेंट डाइबोडेंट दैट मीन्स इट एग्जिस्ट लाइक दिस वे, राइट। जो बी एच थ्री होते हैं ना वो यहाँ पे डाइबोडेंट के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर के तौर पे, राइट। और आई कैन से बी हाइड्रोजन, सॉरी 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 हाइड्रोजन बी लाइक दिस वे, सो वी कैन से दिस इज योर मोनोमर। ओके, तो बेसिकली ये जो डाइबोडन है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पार्ट होता है ना, द कलर, तो यहाँ पे लेट्स से हाइड्रोजन एंड बोरोन का यहाँ पे एडिशन होता है डबल बॉन्ड में। ऑलवेज डबल बॉन्ड में बोरोन और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर एडिशन होगा तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे बोरोन आ गया, उसके बाद क्या होता है ना, ये जो बोरोन हाइड्रोजन है, अभी देखो यहाँ पे और टू टू हाइड्रोजन है ना, तो ये जाके ये डबल बॉन्ड के साथ एडिशन करेगा। अभी कैसे एडिशन करेगा, देखो ये जो एटम है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये जो एडिशन जब होगा ना, तो बेसिकली देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये जो एडिशन होगा यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ना, ये बोरोन के साथ, ये जो बोरोन है इसके साथ 5 एटम का एडिशन होगा एंड ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ना क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिमेट्री को मेंटेन रखना है, दैट मींस इसके साथ इसका एडिशन होगा और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे ना, सॉरी, एंड दिस एडिशन ऑलवेज सीज सेम फैशन होता है ना, सेम साइड से एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, दिस इज योर 6, और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन अभी तक बाकी है। सो दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग 9 VBN बोलते हैं, 9 VBN, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रक्चर है, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके बोरिन का एडिशन होगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा, देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस साइड में 8 मेंबर रिंग है और इस साइड में 5 मेंबर, तो ये तो सिमेट्री नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। सो दिस टू आर द करेक्ट ऑप्शन, राइट, फ्रॉम ए अगर सही से देखेंगे। सो ए इज योर दिस और दिस, अभी हम लोग ये इसको देखना है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज योर ए, यहाँ पे देखो क्या है, दिस सिस्टम ऑलिफिन, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है ना, देखो यहाँ पे देखो, बिकॉज देखो दिस इज योर मोनो सब्स्टिट्यूट, राइट, एंड दिस इज योर डाई सब्स्टिट्यूट। तो ये जो डाइबोरिन का जो एडिशन होता है, बोरोन हाइड्रेट का जो एडिशन होता है, वो लेस हिंडर डबल बॉन्ड में ज्यादा फेवरेबल होता है। दिस इज द वन केमिस्ट्री, एंड एग्जाम के टाइम पे हम लोग को इतना तो याद नहीं रहता है, हम लोग सही से देखेंगे ना, ये देखो ये डबल बॉन्ड में कोई रिएक्शन नहीं होगा, दैट मीन्स हम लोग ये तो पक्का है कि ये डबल बॉन्ड में कुछ नहीं होगा, जो भी एडिशन होगा इसी आप होगा। क्या एडिशन होगा, ये जो बोरोन हाइड्रेट का एडिशन, क्लियर हो गया। अभी सेकेंड जो पॉइंट है, दैट इज योर, ये जो बोरोन हाइड्रेट का एडिशन होता है ना, वो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑलवेज इस साइड में जाता है एंड जो बोरोन होता है वो लेस हिंडर, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो बोरोन होता है ना वो लेस हिंडर साइड में इसका एडिशन होता है, राइट। ये लेस हिंडर है या फिर ऐसा ग्रुप है, तो ये मोर हिंडर है रिलेटिवली, एंड ये जो रिंग है मैं इसका ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, बेसिकली विल हैव ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद क्या है, सेकेंड जो स्टेप है, यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये बेसिकली बोरोन एंड देन यू हैव आयोडाइड टाइप ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुजुकी टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट, क्योंकि हम लोग देखो इसके बाद जो भी रिएजेंट है, पैलाडियम बेस सॉल्वेंट वाटर जो भी है, ये क्या होता है ना, सुजुकी रिएक्शन में क्या होता है,
ये जो पार्ट होता है ना, ये पहले हाइड्रोलाइज होके इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो यू हैव दिस पार्ट CO2CH3 बहुत ही सिंपल है, या फिर ये जो बोरोनिक एसिड और ये जो आयोडाइड इसके बीच कपलिंग हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री ना, यू हैव टू मेंटेन दिस स्टीरियो केमिस्ट्री, यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट पार्ट। तो ये जो है ना आयोडाइड ना, सो ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ अगर इस कार्बन का कपलिंग होगा, राइट, जब यहां से कपलिंग होगा तो ये कार्बन के साथ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, सो एंड देन यू हैव ए डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव ए CO2CH3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जो कार्बन, दिस इज योर दिस कार्बन, एंड ये जो डबल बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज दिस कार्बन। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग को मेंटेन रखना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस सुजुकी टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन, राइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया, तो वही मुझे यहाँ पे मेंशन करना था। इसका देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गया अभी, एंड यहाँ पे क्या है, दिस इज जेड। तो हम लोग ये जेड को ना मेंटेन रखना है, ये जेट को ना हम लोग यहाँ पे मेंटेन रखना है, ठीक है। सो फाइनल आंसर शुड बी योर दिस, नॉट दिस। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन बोरोन एडिशन, सिंपल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे सुजुकी टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। सेशन 2015 में आया था। द करेक्ट रिएजेंट कॉम्बिनेशन टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो यहाँ पे कौन सा रिएजन हम लोग यूज करके इस स्टार्टिंग मटेरियल से इस प्रोडक्ट को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करना है, व्हाट इज द ए, व्हाट इज द बी। तो ये है ए एंड देन यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कौन सा ए है। तो पहले जो रिएजेंट है ना, एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रिएजेंट है, पहले जो मैं पहले बता देता हूँ, जो रिएजेंट है ना NaBH4 एंड BF3O2, BF3 जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ठीक है, CHO, लेट्स से कीटोन, एंड देन यू हैव ए स्टार, उसके बाद है एसिड, ठीक है। तो ये जो NaBH4 है ना, दिस कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ना, वो सबको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक रिएजेंट है, देखो इंपॉर्टेंट रिएजेंट BH3THF। तो ये जो BH3THF है, ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर योर एसिड एंड देन यू हैव एमाइड। तो ये जो एसिड और एमाइड को ओनली BH3THF रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिडक्शन पार्ट, ओके। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट रिएजेंट है ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो क्या करेगा, यहाँ पे किसका रिडक्शन करेगा, किसका भी रिडक्शन नहीं कर सकते, ओके। बट अगर हम लोग यहाँ पे लुईस एसिड यूज करेंगे, ठीक है, मे बी अगर हम लोग यहाँ पे लुईस एसिड यूज करेंगे तो सम अमाउंट ऑफ एस्टर का रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। बट देखो ये जो दो पार्ट है ना, इसको अगर हम लोग यूज करेंगे, बी से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो BH3THF क्या करेगा, यहाँ पे दिस कैन रिड्यूस ओनली दिस एमाइड पार्ट, नॉट एस्टर, राइट, दिस इज द सिलेक्टिव रिडक्शन। तो ये क्या करता है, तो देन यू हैव CO2CH3, ठीक है, इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होकर क्या होता है, आर CH2NR2, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद देखो क्या है, अगर हम लोग MeLi यूज करेंगे यहाँ पे, MeLi दैट इज योर 2.5 इक्विवेलेंट, मोर देन 2 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा, फर्स्ट जो MeLi वो जाके एस्टर में अटैक करेगा, ठीक है, एस्टर में अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, O माइनस OCH3 एंड Me, राइट, क्लियर हो गया। ऐसे करके अगर अटैक करेगा, राइट, नेक्स्ट जो है, देन यू हैव अनदर, दैट मीन्स दिस इज द 1 इक्विवेलेंट,
तो ये बैक करके ओ सी एस सी निकल जाएगा, तो बेसिकली हम लोग क्या मिलेगा दिस, बट यहाँ पे और एक इक्विवेलेंट है राइट, यू हैव 2.5, तो मोर देन 2 इक्विवेलेंट, तो ये जाएगा और एक बार अटैक करेगा। उसके बाद देखो एसिडिफिकेशन, तो उसके बाद अगर हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ओ एच हो जाएगा एंड यहाँ यू हैव ए टार्ट ब्यूटानॉल, दैट इज इज टार्ट 3 डिग्री अल्कोहल राइट। तो अगर हम लोग ये स्टेप को यूज करेंगे तो 3 डिग्री हो ही जा रहा है, तो हम लोग इसको तो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो बी तो नहीं होगा ठीक है। ऑलराइट ये को तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग अगर इसको यूज करेंगे ना तो ये जाके इसको पार्शियली रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी लुईस एसिड यूज करेंगे तो लुईस एसिड क्या करेगा, पार्शियली ये जो एस्टर है ना इसके साथ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ठीक है। उसके बाद सम अमाउंट ऑफ रिडक्शन हो सकते हैं, उसके बाद इसका क्या होगा बेसिकली CH2OH होगा। अभी अगर CH2OH हो गया उसके बाद देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डायरेक्ट जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो हम लोग इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग सी स्टेप को देखेंगे ना, सी स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में BH3THM है, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट BH3THM। उसके बाद देखो क्या है एक्वास NaOH एंड देन H3+, तो अगर हम लोग यहाँ पे NaOH एंड H3+ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये जो एस्टर है ना एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे देखो COOH एसिड में कन्वर्ट होगा राइट, सो दिस इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस। उसके बाद देखो क्या है MeLi एंड देन यहाँ पे THF एंड MeLi आल्सो 2.5 इक्विवेलेंट राइट। तो अगर हम यहाँ पे 2.5 इक्विवेलेंट यूज करेंगे फास्ट, देखो यहाँ पे फास्ट जो है ना वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा ओ एमी ओ इज माइनस एल आई प्लस। अभी जो सेकेंड मोर देन 2 इक्विवेलेंट है तो सेकेंड पार्ट क्या करेगा ना, दिस इज योर फर्स्ट इक्विवेलेंट एंड दिस इज लेस द सेकेंड इक्विवेलेंट, तो सेकेंड इक्विवेलेंट क्या करेगा यहाँ से प्रोटोन को ले लेगा एमी, फाइनली विल हैव दिस प्रोडक्ट ओ एल आई एंड देन योर ओ एल आई, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या है यू हैव THF एंड एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पे अगर हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा ये सब पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हम लोग को ये तो पता है वन 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 डायोल जो है ना एक कार्बन में 2 OH इज नॉट स्टेबल राइट बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इंटरेक्शन, तो इमीडिएटली क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगा डीहाइड्रो वाटर निकल जाएगा डिहाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहां से दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। तो यूजिंग दिस स्टेप हम लोग को ये जो सीक्वेंस है इसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो इमीडिएटली हम लोग इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं राइट, सो दैट वाज द करेक्ट आंसर ठीक है। ओके नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।